ओके ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेट्री। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, उसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखने वाले हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट यही है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि ऑप्टिकल आइसोमर OI है क्या। ठीक है, तो देखो आइसोमर का मतलब पहले समझो। ठीक है, आइसोमर के बारे में आपको पता है कि बच्चों ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनके पास सेम क्या होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एंड सेम यहां पे होना चाहिए उनका स्ट्रक्चर। प्लीज ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर में एक वर्ड है ऑप्टिकल चिकन बडीज आइसोमर। तो आइसोमर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है कि आइसोमर सर कंपाउंड होते हैं, और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही यहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइसोमर्स का मतलब क्या है भाई, कंपाउंड। अब वो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए सेम, और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सेम, बट बच्चों यहाँ पे उनका डिफरेंट क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट यहाँ पे होगा उनका बिहेवियर। और बिहेवियर जो बच्चों डिफरेंट होगा ना, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बिहेवियर में डिफरेंस आपको मिलेगा, वो डिफरेंस बच्चों कहाँ मिलेगा, हम बोल सकते हैं कि लाइट होती है बच्चों प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल लाइट के रिस्पेक्ट में अगर उनके जो बिहेवियर है अगर वो डिफरेंट मिलते हैं, तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। क्या सभी को मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? और फिर जो एक्टिविटी पूरी की पूरी हो रही है, दिस कंप्लीट होल एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो होल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, दिस कंप्लीट होल एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं उनको बोल दो, लेक्चर को टाइम से प्लीज ज्वाइन किया करो। ठीक है, अदरवाइज चीजें हो जाएंगी तो फिर आपको भी बाद में रिविजन करके आप लेक्चर देख सकते हो, वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन आपको अगर मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ तो आप बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे आके डिस्कस कर लो। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला पॉइंट ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर है क्या। तो उसको मैं देखो बहुत ही थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, तो कि ऑप्टिकल आइसोमर, आइसोमर्स का मतलब बच्चों पता है सभी को, आइसोमर्स का मतलब कंपाउंड। अब वो कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड नहीं है, एक से अधिक कंपाउंड है। हम लोग आइसोमर्स बच्चों कहां पे कंपैरिजन के लिए देखते हैं, आपको पता होगा इतना हम लोगों ने पढ़ लिया आइसोमर्स में। कंपाउंड ए है, प्लीज ध्यान दो, एक कंपाउंड बी है, दो कंपाउंड है आपस में, प्लीज हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। दो कंपाउंड आपस में है, एक कंपाउंड है ई, एक कंपाउंड है बी। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो पहले हम आइसोमर्स की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ऑप्टिकल की तरफ मूव करेंगे। और ऑप्टिकल जो वर्ड है बच्चों को किससे रिलेटेड, लाइट से, ये आपको समझ में आता है, इंग्लिश का वर्ड है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब बेटा जो वर्ड है दिस इज टोटली रिलेटेड विद लाइट। ठीक है, लाइट से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट इन ए और बी जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, इन ए और बी कंपाउंड का अगर मैं, इन ए और बी कंपाउंड के सामने अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट, ये क्या होती है मैं बताऊंगा, प्लेन पोलराइज लाइट ये कैसे बनाई जाती है, होती क्या है, क्या इसमें देखने को मिलता है, किस तरीके से ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है ना इन कंपाउंड के सामने। तो बच्चों इन ए और बी कंपाउंड को जैसे मैं पीपीएल लाइट के सामने लेके आऊंगा, प्लेन पोलराइज लाइट के सामने लेके आऊंगा, तो यही कंपाउंड डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। एक कंपाउंड क्या कर सकता है, इस पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, एक कंपाउंड क्या कर सकता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो यही होता है डिफरेंट बिहेवियर। तो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर।
सभी को यहां तक क्लियर हो गया है? बता दो बच्चों, सभी को यहां तक क्लियर हुआ है? ओके, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो पीपीएल लाइट क्या है? ठीक है, तो आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये बिल्कुल आपने पहले 10th या 11th में बिल्कुल ये जो ग्राफ में बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा कि इसमें मैंने क्या करा है, एक्स और वाई एक्सिस दिया है बच्चों। तो मैंने ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पे आपका जेड एक्सिस है। प्लीज ध्यान देना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस अपन ऐसे ले लेते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बिल्कुल एटॉमिक के अंदर भी देखा होगा इस तरीके से एक्स वाई, एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर देखने को मिलता है। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है, इसके बारे में बताया भी जाता है। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिए हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वेव है बच्चों, ये आपको दिख रही है, अगर ये वेव है, ठीक है, तो इस वेव को 3D फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है और उसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैंने 3 एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैंने बेटा यहाँ पे क्या है, दिस इज ओरिजिन बेसिकली, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है। तो आपको आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, बताओ बच्चों, आप लोगों ने EM वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो जो EM वेव होता है, EM वेव की प्रॉपर्टीज में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसमें प्रॉपर्टीज में ये डायग्राम भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे रेडियो वेव्स है ना, हम लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें जो आपकी वेव्स आती हैं, ठीक है, वो आपके क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एक वर्ड है इलेक्ट्रो वर्ड, एक वर्ड है मैग्नेटिक वर्ड। तो इलेक्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वर्ड रिलेटेड मैग्नेटिक वेव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो EM वेव्स के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक वेव का कॉम्बिनेशन प्लस मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिजिक्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी ये जो वेव है वो प्लेन पोलराइज लाइट कैसे होगी, क्या होगा, कैसे होगा, उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो पहले वेव के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बच्चों, ठीक है, उसमें दो वेव का कॉम्बिनेशन, एक तो इलेक्ट्रिक वेव, दूसरा आपका मैग्नेटिक वेव। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ से रेड कलर से देखो, रेड कलर से जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ये रेड कलर से, ये आपके इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक वेव्स आप देखो ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो मैग्नेटिक वेव बच्चों इस तरीके से, ये देखो ये मैग्नेटिक वेव यहाँ पे रिप्रेजेंट की, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे एक हॉरिजेंटली है, एक वर्टिकली है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? हॉरिजेंटली कौन है बच्चों? मैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। अरे हॉरिजेंटली किसको बच्चों? मैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट किया है, और वर्टिकली बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक वेव को रिप्रेजेंट किया, और यही डायग्राम होता है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर है। अरे क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव की क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, और ये जो डायरेक्शन है ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, लाइट इधर आपकी प्रोपोगेट कर रही है। देखा भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लाइट बीम, ठीक है, तो लाइट बीम जो है उसका जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन और चलना किधर जा रही है, तो ये इधर से इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है। जब इधर से इधर ट्रेवल कर रही है तो इसमें आपको प्लीज इस वेव को ध्यान रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो इसमें मैंने देखो डायरेक्शन क्या किया है, मैंने ऊपर की तरफ लिया है बच्चों वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है, और मैंने जेड एक्सिस पे लिया है मैंने मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक वेव है वो बच्चों देखो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपकी ट्रेवल कर रही है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बहुत ही क्लियर दिख रही होगी, वो देखो ये मैं येलो कलर से भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो। तो ये इसके परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, जल्दी से, ये जो वेव है इलेक्ट्रिक और मैंने जेड से बच्चों क्या लिया है, मैग्नेटिक वेव लिए, मैग्नेटिक फील्ड लिया है, इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है थी? तो लाइट का डायरेक्शन क्या आपको प्रोपोगेशन समझ में आ गया, कौन किसके परपेंडिकुलर ये भी समझ में आ गया, किस किस तरीके से एक्सिस ऑफ मूवमेंट हो रहा है वो भी समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेना, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग बच्चों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया होगा, डन। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान से यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आपको पता है कि हमारे घरों के अंदर
ठीक है, हमारे घरों के अंदर ये जो बच्चों बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, ये जो बल्ब आप लगे होते हैं घरों में, ये बच्चों क्या करते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट, क्या बच्चों, ऑर्डिनरी लाइट ही जनरेट करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट ही जनरेट करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब ऐसा है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे अपने इस तरीके से बल्ब मैंने लगा लिया, ठीक है, ये बल्ब बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से बाहर की कनेक्टिविटी है कि बल्ब जो है जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये सारे के सारे डायरेक्शन में लाइट को प्रोपगेट करेगा। बताओ बेटा जल्दी से, ये सारे के सारे डायरेक्शन में, बिल्कुल सारे के सारे डायरेक्शन के अंदर लाइट को प्रोपगेट करेगा। तो दिस इज बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट, ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट। फिर मैं क्या करूंगा, इसी लाइट को देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी बच्चों किया गया है। देखो ये लाइट आपको दिख रही है ना, दिस इज एक्चुअली वो लाइट है ये जो बल्ब से प्रोड्यूस हो रही है और सारे के सारे डायरेक्शन में आपकी मूव कर, तो लिखा भी है ऑसिलेटिंग इन ऑल प्लेन, सारे के सारे प्लेन में मूव कर। आप घर में देखते भी होंगे, जैसे आपने रात के समय बल्ब जैसे ऑन किया तो वो पूरे कमरे के डायरेक्शन में लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है, उधर ही आपको रोशनी दिख रही है, ऐसा तो होता नहीं है। में आपकी लाइट क्या हो रही है, आपकी क्या हो रही है बेटा, ऑसिलेट हो रही है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सभी को, कि बच्चों वेव की फॉर्म में होता है इसके हम लोग यहाँ पे ऑसिलेटिंग वर्ड यूज करेंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो लाइट है बच्चों को क्या है, वो क्वांटा की फॉर्म में मूव करती है, आपको अच्छे से पता होगा। क्वांटा एक पैकेट है, बेटा पैकेट किसका है, एनर्जी का पैकेट है, ठीक है, एनर्जी का पैकेट है, और वही छोटे छोटे से छोटे छोटे जो क्वांटा है वो कंबाइन होते हैं, एक क्वांटा ये, दूसरा क्वांटा ये, तीसरा, चौथा, इस तरीके से बहुत सारे इन्फिनिटी क्वांटा यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और लाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जो आपको लाइट क्या होती है दिखाई देती है कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और वेव बेटा हम लोग साइन वेव या कोसाइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर लें या फिर इसको भी इस तरीके से कर लें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो लाइट बच्चों सारी के सारी डायरेक्शन में क्या होती है, अपने घर में जो बल्ब लगा होता है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, वो सभी डायरेक्शन में आपके सभी प्लेन में ऑसिलेट करती है। इतनी बात सभी क्लियर हो रही होगी, राइट। देखो ये बड़ा लिखा है अनपोलराइज लाइट, दिस इज अनपोलराइज लाइट, यही आपके घर की लाइट है, जो हम घर में बात कर रहे हैं ना, होम, जो घर में बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, तो बेटा यही है अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट भी हम लोग उसे बोल सकते हैं जो सारे प्लेन में आपकी ऑसिलेट कर रही है, मूव कर रही है। अब क्या किया, इसी अनपोलराइज लाइट के सामने बच्चों मैंने क्या करा, पोलराइजर रख दिया। अब पोलराइजर बच्चों क्या है, पोलराइजर एक पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट है। पोलराइजर बच्चों है क्या, वो आपका एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बच्चों कैल्शियम, जिसको बोलते हैं कैल्साइट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ही थिन लेयर आपके यहाँ पे लगाई जाती है, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कैल्साइट लेयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं कैल्साइट, CALCIT, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्साइट लेयर। मतलब इसकी जो आपका पोलराइजर है, इस पोलराइजर में डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजर आजकल तो मार्केट में आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के भी आ रहे हैं, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर लगाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। तो ये पोलराइजर बच्चों, नाम ये पोलराइजर, पोलराइजर का मतलब पोलराइज करेगा, इसको पोलराइज करेगा अनपोलराइज लाइट को, जो हमारे कमरे में लाइट साइड सारी के सारी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, उसको एक ही डायरेक्शन के अंदर वो बच्चों क्या करेगी, उसको पोलराइज करेगी, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अभी देखो बच्चों हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और जैसे पोलराइजर से लाइट पास हुई, तो पास होने के बाद यहाँ पे लिखा है लीनियर पोलराइज लाइट विद वन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, और नीचे लिखा है पोलराइजेशन फिल्टर विद वर्टिकल पैसेज। ये जो रखा है ना वो वर्टिकल पैसेज के साथ है, इस तरीके से जब इसके सामने, ये तो यहाँ पे रखा भी है, जब इसके सामने ये इस तरीके से लाइट एक आएगी ऑर्डिनरी लाइट, जब ऑर्डिनरी लाइट की हम बात करेंगे तो जब लाइट बच्चों इससे स्ट्राइक करेगी, टकराते ही यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जिस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल कॉलम आपके यहाँ पे अरेंज किए गए पोलराइजर के अंदर, जब इससे लाइट पास होगी तो बच्चों यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन कैसा होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, सारे के सारे जो आपके वेव्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। तो मतलब अनपोलराइज लाइट जो हमारे घरों में है, कमरों में है, अगर उस बल्ब के सामने मैंने बच्चों पोलराइजर रख दिया, तो वो पोलराइजर क्या करेगा, उस पोलराइजर ये करेगा कि वो जो आपकी लाइट है उसको एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कराएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो साइड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है। बहुत बार अपने गांव के अंदर ऐसा बच्चे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक वो बल्ब आता है, मतलब पर्टिकुलर टाइप की लेंस को यूज करते हैं,
और वहां से लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बहुत समय तक रखते हैं तो वहां पे आपकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपके रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, किसी बच्चों को कुछ डाउट है? शर्मेश, ठीक है ओके, आपको समझ में नहीं आया, चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, कुछ है नहीं यार, ऐसा सिंपल सा है। आपने घर में बल्ब देखा? यस और नो का आंसर देते चलो मुझे। आपने घर में बल्ब देखा है अभी तक? मुझे हाँ और ना का जवाब दो। घर में बल्ब देखा आपने? यार हाँ का तो जवाब दे। घर में आपने बल्ब देखा, तो बल्ब में से जो लाइट निकल रही होती है क्या एक ही कोने में लाइट जा रही होती है? हाँ और ना का जवाब दो, सिर्फ हाँ और ना का जवाब। सारे के सारे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डररी। ऑर्डररी का मतलब क्या है? सारी डायरेक्शन में बल्ब, ये बल्ब की लाइट है, ये सारे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और इसी का नाम होता है अनपोलराइज लाइट। क्या नाम होता है इसका? अनपोलराइज। भाई पोलराइज थोड़ी नहीं है, अरे पोलराइज होने के बाद तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। दिस इज अनपोलराइज, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। आपको ये दिख भी रही है ना, ये देखो दिख रहा है। यस, अब इस लाइट के सामने मैंने क्या किया, एक मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया मैं, ठीक है, और उसको मैं, इसका नाम है पोलराइजर। दिस इज बेसिकली पोलराइजर। इस पोलराइजर को जैसे ही मैंने रखा, ये पोलराइजर क्या करेगा, इस लाइट को जो सामने आपको लाइट दिख रही थी, इस लाइट जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, ये जैसे आके इससे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये होल्स है बच्चों, ये बीच का होल्स है, इन होल से जैसे पास होगी, तो पास होने के बाद, बिकॉज इट इज ए पोलराइजर, पोलराइजर का काम ही है कि एक ही डायरेक्शन में लाइट को ट्रेवल कराना। तो अब यहाँ पे जो पैसेज इस पोलराइजर में दे रखे थे, पैसेज का मतलब जो लाइनें हैं, खड़े खड़े डंडे हैं, हिंदी बोल लो सीधा ऐसा, वो कैसे, वो वर्टिकल पैसेज है। अरे वर्टिकल समझ में आता है ना, अरे हॉरिजेंटल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, ठीक है, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज वर्टिकल, समझ में आता है ना। तो इसमें देखो पोलराइजर में वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए, तो जब यहाँ से आपकी ये बल्ब की लाइट, जो आपकी अनपोलराइज लाइट है, जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, जब यहाँ से पास होगी बेटा, तो किस डायरेक्शन में जाएगी, ये किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओनली वन डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है, मतलब यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइट वेव मिलेगी। तरीके से क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है, सभी डायरेक्शन में दिख रही है, और जैसे पोलराइजर से पास हुई, तो पास होने के बाद ये एक ही डायरेक्शन में दिख रही है। बताओ जल्दी से, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अभी देखो सारी डायरेक्शन में जा रही थी, दिस इज अनपोलराइज लाइट, दिस इज अनपोलराइज लाइट, और जब ये पोलराइजर से पास हुई, तो पास होने के बाद एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज पोलराइज लाइट। और पोलराइज लाइट को मैंने इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, अब क्लियर हो गया सभी को? ओके, इसके बाद हम लोग और भी इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। यस, तो प्रॉपर्टीज में फिर से समझते हैं कि जो उसके साथ, तो देखेंगे यहाँ पे अल्ट्रा लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अल्ट्रा लाइट मतलब जो घर में आपका बल्ब है। ठीक है, किसी बच्चे का कुछ तो एक डाउट हो, वो डाउट में देख लेता हूँ। विघ्नेश ने पूछा, सर यहाँ पे वर्टिकल पैसेज रखा है, इसलिए वर्टिकली पोलराइज हो रहा है क्या? यस एग्जैक्टली, हॉरिजेंटल रखेंगे तो बेटा हॉरिजेंटल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेव फॉर्म, उस हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो अरेंजमेंट होगा ना वेव का, या तो अरेंजमेंट ऐसा होगा, ध्यान दो, अरेंजमेंट ऐसा होगा, ये कौन सा अरेंजमेंट है, बेटा वर्टिकल अरेंजमेंट है, इस हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल ये होगा। अगर हम पोलराइजर को बेटा हॉरिजेंटल रखेंगे, तो वहां से लाइट निकलेगी ना। अरे आप करते, अगर आप किसी ने, आप अगर इस तरीके से पास होगी, सारे वो इंस्ट्रूमेंट खिलौने टाइप में आते हैं ना, अब जिस तरीके से रखोगे लाइट, उस तरीके से वहां से रिलीज होगी, जहां पे होल जैसा होगा, समझ में आ रहा है? वही है, तो पोलराइजर बेसिकली ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, अगर हॉरिजॉन्टल रखोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगी, है ना वेव। भाई आप यहाँ देखो, ये जो वेव थी बल्ब से, ये जो सन है, सन इज बेसिकली ए अनपोलराइज लाइट सिस्टम, ये सन है, और इस सन के सामने
अगर मैंने यहाँ पे पोलराइजर, अगर मैंने पोलराइजर को यूं रखा इस तरीके से, प्लीज पूछो, दिस इज बेसिकली पोलराइजर। हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे देखने कॉलम्स, तो आंसर भी दिस। और अगर बच्चों मैंने यहाँ पे उसको वर्टिकली इसको अरेंज कर दिया, इसी को मैंने थोड़ा उल्टा करके वर्टिकली मैंने रख दिया, तो जब यहाँ से लाइट पास हो रही है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, तो दिस क्या मजा आ रहा है। और इन दोनों फॉर्म को अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बच्चों, जस्ट मैंने बताया था, क्योंकि मुझे मैथमेटिकली चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो लाइट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे हॉरिजॉन्टली या आपका नीचे वाला हॉरिजॉन्टली है, ऊपर वाला वर्टिकली है, इन दोनों जो आपके पैटर्न देख रहे हैं, इन दोनों पैटर्न को बेटा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये सुनो, डेफिनेटली ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब देखो, यस थैंक यू। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, अभी मैंने आपको उस डायग्राम में बताया, वेव फॉर्म भी रिप्रेजेंट किया, उसमें बताया भी है ना कौन से किसकी की आपकी हॉरिजॉन्टल है और किस तरीके से है, व्हिच हैज ऑसिलेशन इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन, जो उसका प्रोपगेशन वाला पाथ है उसके परपेंडिकुलर आपको दोनों ही, चाहे बच्चों इलेक्ट्रिक वेव हो चाहे आपकी मैग्नेटिक वेव हो, मैग्नेटिक वेव हो, ये दोनों के दोनों बच्चों क्या होंगे कि उनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर ही होगा। सभी को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? जस्ट मैंने आपको बताया भी था, यहां से रोटेशन इस तरीके से होगा। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से, इसका डायरेक्शन प्रोपोगेशन ये था, जहां पे आपको ये वाला फेस और एक ये वाला, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक लगा है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं बताओ बेटा, ये नाइन्थ क्लास से पढ़ा जाता है, तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रही है ना, बिल्कुल परफेक्टली परपेंडिकुलर ही होगी, तो यहाँ पे लिखा तो अभी हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था, समझ पा रहे हैं? तो ऑल्टरनेट लाइट जो घरों में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, व्हिच हैज ऑसिलेशन ऑल द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन। When ultraviolet light is passed through Nicol prism जो है वही बच्चों क्या है, Nicol prism is actually a polarizer, यही तो आपका polarizer है, ठीक है। Nicol prism is a polarizer, it has all its oscillation in the same plane and is called plane polarized light। जब Nicol prism से हम उस ultraviolet light को pass कराएंगे तो वहां से बच्चों मिलेगी plane polarized light। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो सन ग्लासेस यहाँ पे इस तरीके से आपको बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में डिस्कशन किया है, इस तरीके से होगा तो लाइट इसी पैसेज से पास होगी। अगर यहाँ पे अरेंजमेंट अगर मैं यूं कर दूं इस तरीके से, अरेंजमेंट इस तरीके से कर दूं तो लाइट इसी तरीके से पास होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर की जो लाइट है वो कैसी, लेकिन जैसे ही जो आपके ग्लासेस है इनसे पास होगी तो ये हॉरिजॉन्टली है या फिर वर्टिकली पैसेज का अरेंजमेंट है, तो वहां से जैसे लाइट अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइट पास हो जाएगी, और पास होने के बाद वो पोलराइज होगी, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, दिस इज ओनली केमिस्ट्री, प्लीज डियर, यस पृथ्वी, यस दिस इज केमिस्ट्री नॉट ए फिजिक्स, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ दिस इज ओनली केमिस्ट्री सीक्वेंस, है ना, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वी विल नेवर डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक वेव्स, ऐसे क्यों ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ऐसे ट्रेवल नहीं कर रही है, वो दोनों का कंपोजिशन है, प्लीज लिसन बेटा, दोनों का कंपोजिशन है, दोनों कंपोजिशन है, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द फिजिक्स, ठीक है। मैं ये जो वेव उसको केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा हूँ, राइट, तो इसी तरीके से हम फिजिक्स में ही जाने वाले, किससे इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, सब इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला है, मेरे चैप्टर में नहीं है, ठीक है। मेरे चैप्टर में अगर ये होगा, ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे चैप्टर सिलेबस में जितना है, बिकॉज सिलेबस भी फिनिश करना है और टॉपिक टोटली फिक्स, यहाँ पे टेरिवेशन निकालने बैठूंगा तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, डीसी सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बाकी टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चाहूँगी कोई और डिस्टर्ब पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ उसी मजे से,
लेकिन मेरे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको मेरी ठीक है बात को, तो जितना मैं जितना मेरा सेक्शन है उतने में डिस्कस करूंगा। जो टीचर्स हैं जिस टीचर वो आपको बताए और भी इसमें ज्यादा समझ आ रहा है सभी के। तो यहाँ पे बच्चे पैसे क्यों ट्रेबल कर रहे हैं। अच्छा आपने ये पूछा कि इलेक्ट्रिक, आप शायद ये पूछ रहे हो इलेक्ट्रिक जो वेव है वो मैग्नेटिक के पास है। मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक वेव के परपेंडिकुलर क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन है क्या? तो अरे ये तो जनरल क्वेश्चन है यार। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल है, आपने ये तो पढ़ा होगा यार, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ट्रेवल कर रहा होता है, ध्यान दो, वन सेकेंड आवाज ब्रेक कर रहा है, दिस इज टेक्नोलॉजी इशू, वन सेकेंड। ये सोचो अभी आवाज आ रही है, बताओ जल्दी, अभी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? ओके ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ध्यान दो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल बच्चों मूव कर रहा होता है या ऑसिलेट कर रहा होता है तो वहां पे दो टाइप की वेव वो रिलीज करता है। आपको पता है जो मतलब हाई वोल्टेज जो वायर जो आपने देखा है घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर से अटैच होते हैं, अपने घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टेप अप, ठीक है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन वो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, जब वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप स्टेप अप लगा दो, बाकी आप स्टेप डाउन लगा सकते हो, ठीक है। तो जब ये करेंट इस वायर से फ्लो कर रहा है तो फ्लो कर रहा है तो वहां बच्चों उस इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताओ बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, आपने पढ़ा होगा ये फिजिक्स में 11th क्लास में आता है कि जब किसी मूवेबल, ठीक है, आपका अगर कोई चार्ज पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो चल रहा है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर आपको अगर उस, क्योंकि वो क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपसे जस्ट परपेंडिकुलर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपकी डिक्रीज करती है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से सीक्वेंस पूरा का पूरा अरेंज होता है। इसकी बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, यस। अब आते हैं बच्चों, हम इसको थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के ही सीक्वेंस को देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी भी वही ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज लाइट की हम बात कर रहे हैं। अब देखो प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, प्लीज ध्यान दो। सभी लोग रेडी हैं सुनने के लिए? यस। आपको दिख भी रहा होगा और मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो देखो बच्चों ये जो लाइट आपको दिख रही है ना, दिस लाइट सोर्स इज एक्चुअली ए ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइट जो घरों में बल्ब लगा है, ये जो सनलाइट है, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है इतनी बात सभी को? जैसे बच्चों ये ऑर्डिनरी लाइट, यहाँ पे सामने रखा है बच्चों पोलराइजर, और पोलराइजर के अंदर जो आपका अरेंजमेंट है बच्चों को कैसा है, वर्टिकल है। देखो वर्टिकल कॉलम है कि नहीं, वर्टिकल पैसेज है कि नहीं, सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर देखो क्या वर्टिकल पैसेज आपको सभी को दिख रहा है, सभी बच्चे बताएं? यस ओके। तो जब बच्चों इस वर्टिकल, क्योंकि देखो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, आपको फील करा रहा हूं कि होता कैसे है। तो इस पोलराइजर जो फिक्स है, इससे जैसे ऑर्डिनरी लाइट आपकी पास हुई, तो पास होने के बाद बच्चों अगर ये वर्टिकल पैसेज का अरेंजमेंट है तो यहां से सामने से जब ये लाइट सोर्स आएगा, जाएगा, टकराएगा, तो वहां पे इसके बाद जो लाइट निकलेगी उसका बच्चों डायरेक्शन तो यही होगा, बताओ मुझे जल्दी से। इसका होने का मतलब दिस लाइट विल बी पोलराइज।
अब यहाँ से जो लाइट बीप जा रही है सारी की सारी पोलराइज है, बताओ बच्चों जल्दी से। अब इसके बीच में मैंने यहाँ पर लगा दिया पोलरी मीटर सैंपल सेल, ये भी आपके इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पोलरी मीटर ट्यूब इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पोलरी मीटर ट्यूब। तो पोलरी मीटर ट्यूब के अंदर, प्लीज बच्चों समझो, पोलरी मीटर ट्यूब के अंदर हम लोग क्या भरते हैं? पोलरी मीटर ट्यूब के अंदर बच्चों हम लोग भरते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग पढ़ रहे थे भी, एक ए एक बी। तो ए और बी को बच्चों में इस पहले मैं ए को भरूंगा फिर मैं बी को भरूंगा। जब मैंने ए को भरा इसके अंदर इस पोलरी मीटर ट्यूब, प्लीज बच्चों पहले मेरी बात को समझ लो अच्छे से। सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइट सोर्स थी हमारी, लाइट सोर्स को बच्चों मैंने किससे पास कराया, पोलराइजर से। तो लाइट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गया, समझ में आ गया सभी को। फिर उसके बाद बच्चों मैंने पोलराइजर ट्यूब से लाइट को पास कराया और पोलराइजर ट्यूब के अंदर मैंने सैंपल भर दिया, वो सोल्यूशन भर दिया। या तो सोल्यूशन बच्चों मैंने ए का भरा या सोल्यूशन मैंने बी का भरा। मान लो सबसे पहले सोल्यूशन मैंने ए का भरा, ए का भरने के बाद लाइट में बच्चों डेविएशन ऐसा हो रहा है। मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए बच्चों पीपीएल लाइट के साथ, प्लेन पोलराइज लाइट के साथ बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए ए का और बी का। मतलब अगर ए इसको क्लॉकवाइज कर रहा है तो बी इसको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। तो जब मान लो ए इसके सामने आया तो यही प्लेन पोलराइज लाइट बच्चों आपको दिख रही है क्या? देखो किस तरफ मूव कर रही है, राइट डायरेक्शन मूव करती जा रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसका जो लाइट का जो ट्विस्ट है, ये लाइट यूं थी ना बच्चों, ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती जा रही है। मतलब इसका देखो यहाँ पे देखो मूवमेंट हो गया है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो लाइट यहाँ पे देखो रोटेट हो चुकी है। रोटेट होने के बाद सामने लगाया मैंने एक ऑब्जर्वर, तो लिखा भी है दिस इज एनालाइजर। एनालाइजर बच्चों क्या कर रहा है, इस लाइट का जो डायरेक्शन है जो एंगल है उसको 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 क्या कर रहा है बच्चों, लेंस उसको एनालाइज कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल है देखो ये जीरो डिग्री है, ये 90 माइनस 90 है, 180 है, ये आपका 90 डिग्री है, दिस इज एनालाइजर। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे डिग्री स्केल आपको फिक्स किया गया है। और यहाँ पे लिखा है द प्लेन ऑफ पोलराइजर पोलराइजेशन ऑफ इमर्जिंग लाइट इज एट द डिफरेंट एंगल देन दैट ऑफ एंटरिंग पोलराइज लाइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों ही जो पोलराइज लाइट है और जो इमर्जिंग लाइट है, दोनों का आपका जो एंगल है वो आपको डिफरेंट एंगल मिल रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो ये था डायरेक्शन और उसके बाद बच्चों इस एंगल पे स्ट्राइक किया भाई। एक्चुअली मैं मान लो ये था, आपको देखो ध्यान से, जब एंटर कर रहा था तो बच्चों ये था, यही था ना भाई, परपेंडिकुलर था ना बच्चों, इस तरीके जीरो ऊपर डिग्री नीचे 180 डिग्री। जब जाके वहां पे स्ट्राइक किया तो ये मिला इसको। तो इसका मिलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाइट बच्चों यहाँ से यहाँ ट्विस्ट हो चुकी है, रोटेट हो चुकी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे लिखा भी गया है एज द एरो इंडिकेट द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन इज द सेल इज कॉजिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू रोटेट। या तो वो सॉल्यूशन ए है या वो सॉल्यूशन बी है। अगर मान लो सॉल्यूशन ए ने बेटा लाइट को इस पीपीएल लाइट को किया है क्लॉकवाइज करेगा, या तो बच्चों जो बी है उसने किया है एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज तो ही डायरेक्शन आपको मिल सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इसलिए बच्चों फिर अगर ये सॉल्यूशन ए और बी अगर इस पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो बच्चों ए और बी आपस में क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दो सभी बच्चे। सबसे पहले क्या हुआ कि बेटा लाइट सोर्स आया ऑर्डरली, इसको पास कराया मैंने पोलराइजर से, तो बच्चों यहाँ से मिल गई प्लेन पोलराइज लाइट और इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने मैंने पोलरीमीटर सैंपल ट्यूब लेके आया। इस पोलरीमीटर सैंपल ट्यूब के अंदर तो मैंने ए को भर दिया, ए को मैंने बी को भरा, ए और बी बच्चों वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उनको मैंने भर दिया। अगर ए कंपाउंड ने इस पीपीएल लाइट को बच्चों किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, ठीक है, या इस बी कंपाउंड को मैंने भरा तो बी कंपाउंड बच्चों कर रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो बिहेवियर है वो आपको डिफरेंट मिल रहा है ए और बी का इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे, आपके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। क्या सभी को इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हो रही है? जल्दी से बताओ, यहां तक सभी को समझ में आया? यस सर नो? अभिषेक, आकांक्षा, अमूल, अमूल्या, अनन्या, निकेत, मृणाली एंड पुष्कराज, राधिका, रिदेश, साक्षी एंड शोभान, सत्यजीत, सन्मेश, श्रद्धा, ओके, प्रसाद, अथर एंड वैष्णवी, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक क्लियर हुआ? सभी लोग जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दो।
यस सर, समझ में आया विघ्नेश। कोई डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हो। फ्रॉम इन्होंने पूछा है स्वरूप ने सर, क्या लेजर में भी पोलराइजर यूज होता है? एग्जैक्टली यस, डेफिनेटली। जो हम लेजर लाइट यूज करते हैं ना, पहले बचपन में हम यूज करते थे, घरों में आज भी यूज करते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि जब भी आप लेजर को आप दबा रहे होते हो, ठीक है, उसकी बटन जैसे आप ऑन करते हो ना, आपने उसको जैसे दबाया, दबाते ही बच्चों वहां से देखा कि एक ही डायरेक्शन में लाइट आपकी ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, और उसके सामने आपने बहुत सारी खेल खेलते हो, क्या तो उसके सामने आप लेंस लगाते हो, कभी मछली का लगाते हो, फिश का, कभी किसी और डिफरेंट बच्चे का लगाते हो, कभी किसी एनिमल का लगाते हो, ना बहुत सारे आते हैं लेंसेस आते हैं, वो लेंसेस लगाते हो, फिर उसके बाद जैसे ही पुश करते हो और किसी के घर में है या किसी अपने फ्रेंड्स के सामने वो चल रहा है उसके सामने कुछ, तो रात में ऐसा करते हैं तो वो डर जाता है, ऐसा होता है ना, बहुत बार आप लोगों ने किया होगा, ऐसे बच्चे करते हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली वही 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 सीन है, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। रोटेशन किस पे डिपेंड होगा? रोटेशन बच्चों डिपेंड होगा आपके एक तो एंगल पे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, एंगल पे डिपेंड, थीटा पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज पोलरीमीटर ट्यूब की आपकी जो लेंथ है उस पे डिपेंड करेगा, और एज वेल एज उस पोलरीमीटर ट्यूब में जो सैंपल भरा गया है उस सैंपल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा, इन तीन पे डिपेंड करता है, ठीक है, भी बताऊंगा धीरे धीरे, एक एक बात करेंगे धीरे धीरे आएगा। पोलरीमीटर लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करेगा, और सैंपल किस नेचर का उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, सब बताऊंगा धीरे धीरे। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे यहाँ ध्यान दो, सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ए कैरेक्टरिस्टिक वे व्हेन इट इज पास्ड थ्रू देयर सॉल्यूशन, ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर रेफर्ड टू एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो अभी मैंने आपको बताया, तो या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या करेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बच्चों मैं करूंगा यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे, बैक टू रोटेटरी या प्लस या डी से, स्मॉल डी से, समझ लो और ध्यान और दिमाग में बिठा लो अच्छे मन। तो पहले बच्चों यहाँ पे दो कैटेगरी है, या तो लाइट क्लॉकवाइज या लाइट बच्चों एंटी क्लॉक। कौन सी लाइट बच्चों? प्लेन पोलराइज लाइट, जो येलो कलर से देखो वहां पे किया गया, देखो ध्यान से येलो कलर से, तो प्लेन पोलराइज लाइट को सर्टेन कंपाउंड क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं या तो क्लॉकवाइज के अंदर या एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। तो जो सर्टेन कंपाउंड लाइट को, पीपीएल लाइट को रोटेट कराते हैं, उन्हीं कंपाउंड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो कंपाउंड पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं करा पाते हैं उनको बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी जल्दी से बता दो। तो बच्चों अगर लाइट आपकी पीपीएल लाइट अगर आपकी जा रही है बच्चों, या तो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है या फिर इस डायरेक्शन में हो रही है, तो बेटा इधर हो रही है दिस इज क्लॉकवाइज, अगर इधर हो रही है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है सभी को? तो या तो क्लॉकवाइज होगी बच्चों, घड़ी में, घड़ी पता है ना घड़ी किधर से किधर चलती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वही डायरेक्शन। तो अगर बच्चों को क्लॉकवाइज होगा तो अपन उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेलिंग देख लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसमें क्या है, इफ द सबस्टेंस रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट डायरेक्शन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं बच्चों, स्मॉल डी, स्मॉल डी से करते हैं या बच्चों पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी बाद में नॉर्मल क्लेचर आएगा इसके अंदर, ठीक है, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी भी मत यूज करना, स्मॉल डी से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। अगर कोई कंपाउंड, अगर बेटा सर्टेन कंपाउंड लाइट को बेटा कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसा कर रहे हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट, कैसा कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो बच्चों उसको बोलूंगा मैं लीबो रोटेटरी कंपाउंड। इफ लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द सबस्टेंस इज सेड टू बी लीबो रोटेटरी एंड इंडिकेटेड बाय स्मॉल एल एंड नेगेटिव सिंबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ओके ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया, उस एग्जांपल को समझते हैं वो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे रोटेशन कैसे होगा, क्या प्रायोरिटी सिस्टम है, वही चिप रूल लगेगा, कान इन गोल्ड प्रलोक सिस्टम मैंने पढ़ाया था आपको ज्योमेट्रिक क्लास में, वही रूल यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, आपको ई और जेड सिस्टम पढ़ाया था वही, तो अभी मैं प्रायोरिटी सिस्टम पे नहीं जा रहा हूँ, पहले आप इसको समझ लो वो क्या है। एक बच्चों कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड आपका ये है, ध्यान देना मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है उसके सामने लिखा है मैंने एस, एस पे भी मत जाओ अभी,
उसको भी छोड़ दो, इसका नाम अभी देख लो आर एस सिस्टम पे भी नहीं जाने क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, इसको छोड़ दो। यहाँ पे आपका है टू ब्यूटनॉल, ऑब्वियसली टू ब्यूटनॉल ही होगा भाई, 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे OH लगा हुआ है, दिस इज टू ब्यूटनॉल, ठीक है 1, 2, 3 and 4। बेटा डैश डैश पे क्या है, हाइड्रोक्सी यहाँ पे है, डैश का मतलब डाउन द प्लेन है ना, प्लेन के नीचे होगा, मतलब ये चारों के चारों कार्बन क्या है बच्चों, प्लेन पे होगा। इसमें OH ग्रुप बच्चों कहाँ होगा, प्लेन के नीचे होगा। आपको मेरी बात समझ में, उसको और सही समझ, जैसे मान के चलो बच्चों ये कॉपी है, ये आपको नोटबुक दिख रही है, ये इस नोटबुक पे चारों कार्बन रखे हुए हैं, इसमें हाइड्रोक्सी कहाँ है बच्चों, नीचे की तरफ है, हाइड्रोक्सी कहाँ पे है, डैश का मतलब डाउन प्लेन के नीचे, पर एच बच्चों कहाँ पे होगा, जो बेच पे लगा हुआ है डार्क जो आपको बताया गया बॉन्ड, वो आपका प्लेन के ऊपर होगा, समझ में आ रहा है। और जैसे बच्चों मैंने इस कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट कराया, किससे कराया बच्चों, 180 डिग्री से रोटेट करा दिया, तो बच्चों यहाँ पे जो OH, जो OH नीचे था वो OH ऊपर आ जाएगा, जो H ऊपर था वो आपका नीचे पहुंच गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो बोले यहाँ पे डैश और बेस फॉर्म में आपका कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। लेकिन दोनों ही बच्चों ब्यूटनॉल है, वो था टू ब्यूटनॉल, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा था वो था आपका, यहाँ पे जो एंगल था वो था आपका +13.52 डिग्री, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा -13.52 डिग्री। अगर बच्चों बेटा मैं 180 डिग्री पर रोटेट करा देता हूँ तो आपका जो एंगल है वो प्लस से माइनस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसको अभी इतना ही समझो। लेकिन एक्चुअल राइट लाइट कैसे रोटेट होती है, कंपाउंड कैसे मैं लेने वाला हूँ, उसमें चलता हूँ। तो पहले थ्योरी सेक्शन है, उसको आपने यहां तक समझ लिया, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन पे, इसको भी पढ़ लेते हैं, मैथमेटिकल छोटा सा है। स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन होता है क्या है, तो स्पेसिफिक रोटेशन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन। इस रोटेशन बेटा है क्या, स्पेसिफिक रोटेशन इज बेसिकली ए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑब्जर्व इन ए 1 डेसीमीटर, ठीक है 1 डेसीमीटर। मैंने बोला ना जो लेंथ है जो आपकी आने वाली है ट्यूब की, तो ट्यूब वहां पे यूज करते हैं, 1 डेसीमीटर ट्यूब इज यूज्ड एंड द कंपाउंड हैज कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml, मतलब जो पोल्ट्री मीटर ट्यूब है ये पोल्ट्री मीटर ट्यूब था याद करो, और इसी पोल्ट्री मीटर ट्यूब के अंदर बच्चों मैंने क्या किए थे, मैंने कंपाउंड फिल किए थे, या तो वो कंपाउंड ए था या तो वो कंपाउंड बी था, समझ में आ रहा है। और भरने के बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन का एग्जैक्टली मीन क्या होता है, हम तो डेफिनेशन समझते हैं, स्पेसिफिक डेफिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन। और कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, एक ऐसा पोल्ट्रीमीटर ट्यूब जहां पे इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है इसकी वो कितनी है 1 डेसीमीटर इसकी लेंथ है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, उसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। एक ऐसा पोल्ट्रीमीटर ट्यूब जिसकी आपकी जो लेंथ है वो 1 डेसीमीटर है, और उसके अंदर जो सोल्यूशन फिल किया गया है, इसके अंदर जो सोल्यूशन मैंने ए और बी डाले हुए हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी है, यूनिटी का मतलब बच्चों कितना, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन मैंने इसमें फिल किए हैं, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया है। तो जब इसके सामने से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास होगी, ये समझो बच्चों, दिस इज एक्चुअली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब एक ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोलरीमीटर ट्यूब से पास हो रही है, जिस पोलरीमीटर ट्यूब की आपकी जो लेंथ है वो कितने है 1 डेसीमीटर, और उसका जो यहाँ पे जो उसमें कंपाउंड भरे गए हैं, जो उसमें ए बी कंपाउंड है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कितना है 1 ग्राम पर ml, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो फिर उसके बाद यहां से रिजल्टेंट जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन जो आपको मिलेगा वही बच्चों होगा स्पेसिफिक रोटेशन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वही होगा आपका स्पेसिफिक रोटेशन। एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है। दिस 25 बेसिकली है टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आपको यहां बताया गया है। तो यहां से बेटा हम स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे ऊपर आपका आता है बच्चों टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपको यूज करना है, हम रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बच्चों टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ।
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और फिर इसको हम लोग ऐसे थोड़ा चेंज करके भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वेवलेंथ की हेल्प से भी करते हैं, ठीक है। तो ऊपर आपका वेवलेंथ ले लिया है, नीचे मैंने ले लिया है टी, टी मतलब वही आपका टेम्परेचर है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कैसे करना होगा, कौन सा लेना होगा, ये वाला लेना होगा कि ये वाला? तो जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये वाला फॉर्म लेना होगा, ये आपको दिख रहा है ना अल्फा, इसके ऊपर वेवलेंथ, नीचे आपका इसको स्क्वायर ब्रैकेट बंद करो, नीचे आपका टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, रेफरेंस वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एक्सेस रोटेशन का मतलब ये है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई एल इंटू सी, मैंने अभी पढ़ा, मैंने भी बोला था ना आपको किन-किन पे डिपेंड करेगा रोटेशन। अभी बच्चे क्वेश्चन था कि सर कौन कौन सी चीजों पर रोटेशन जो है वो डिपेंड करता है, तो मैंने बोला था ना एंगल पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा 4 मिलीमीटर के, और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। लेंथ आ गया तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी बाद में आता है, लेकिन उस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो बच्चों याद रखो फॉर्मूला थीटा डिवाइड बाई एल इंटू सी, इसका और एडवांस सेक्शन बाद में पढ़ा दूंगा, अभी सिर्फ आप बेसिक पार्ट ध्यान रखो थीटा डिवाइड बाई एल इंटू सी, ठीक है। अगर मान लो आपकी लेंथ है इसकी 4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है 25, तो उसके बेस पर हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, स्पेस रोटेशन जो हम लोग बात कर रहे थे, लेंथ आपका है जो पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ लेंथ तो यही होगी ना, ये पाथ लेंथ जितनी आपकी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट चलेगी, चलेगी कितनी, जितनी लेंथ पर 4 मिलीमीटर ट्यूब होगी, फिर डेसीमीटर में लेना है। लैम्डा आपका वेव लेंथ है, नैनोमीटर में लेना है। थीटा आपका क्या है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन वो डिग्री में। सी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल में ही लेना है, प्लीज ध्यान रखना बेटा यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टी आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से यहां तक बात सभी क्लियर है? चलो इसको हम लोग और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, देखो बच्चे जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका यू इस तरीके से एक बल्ब था, ठीक है, इससे बच्चों लाइट यहाँ से निकल रही थी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली बल्ब जो घर में आपके लगा है, ठीक है, यहाँ पे आपका होम है, ये आपका बल्ब है घर में लगा हुआ है, इसके सामने से जो लाइट निकल रही है बच्चों वो क्या कर रही है, वो सारे के सारे डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, कर रही है ना, ओके, ये सभी के सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो दिस इज बेसिकली है, ठीक है, ऑल्टरनेटरी लाइट। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, ऑल्टरनेटरी लाइट भी बोलते हैं। और इसको मैं और अगर वर्ड से यूज करूं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब बच्चों क्या है, क्रोमा का मतलब कलर से है, कलर इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो हर किसी डायरेक्शन में आपकी डिफाइन की जाएगी, हर किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। पॉली का मतलब मैनी, ठीक है, हर किसी डायरेक्शन में जाती। और फिर इसी लाइट को जैसे ही बच्चों मैंने पास कराया निकोल प्रिज्म से, सपोज दिस इज दी निकोल प्रिज्म, हम लोगों ने पढ़ा था भी, एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ प्लीज बच्चों, ठीक है ना, आपको दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, दिस इज निकोल प्रिज्म। अब इस निकोल प्रिज्म जो है बच्चों वो हम जनरली किसका यूज करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा भी है कैल्साइट। कैल्साइट का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ही पतली सी लेयर, उसको इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस पर्टिकुलर निकोल प्रिज्म से जैसे ही लाइट बच्चों पास होगी, तो पास होने के बाद क्या होगा बच्चों, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एक ही डायरेक्शन में आपकी पैरेलल इस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टली या फिर आपका वर्टिकली यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा। तो दिस पर्टिकुलर लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या सबको समझ में आ रहा है, जिसको भी हम लोग नाम से और कॉल कर सकते हैं कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। ये तो आपने बड़ा सुना होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, आपको इसको अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोल सकते हैं। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट से मोनोक्रोमेटिक लाइट बच्चों कैसे बनी है उसको आपको एक बार मैंने समझा, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है? चलो इसके बाद मैं और आपको नेक्स्ट बताता हूं। अब बच्चों यहां से जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो यूज, दिस इज एक्चुअली ए प्लेन पोलराइज लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये। दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट When pass through particular poultry meter tube, तो ये देखो सामने बच्चों लगा दिया मैंने poultry meter tube, और इस poultry meter tube के अंदर बच्चों भर दिया मैंने organic substance, organic compound मैंने भर दिए, जो हम लोग बात ना certain compounds
लाइट को घुमाएंगे तो दिस इज एक्चुअली पोल्ट्री मीटर ट्यूब, ठीक है, दिस इज एक्चुअली पोल्ट्री मीटर ट्यूब। इस पोल्ट्री मीटर ट्यूब से जैसे ही बच्चों हम लोग पीपे लाइट को पास कराएंगे, जिसमें ऑलरेडी बच्चों भर दिया है मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन बच्चों इस पीपे लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि बेटा बेसिक डायरेक्शन ये था भाई, लाइट का डायरेक्शन तो यही है ना पीपीएल का, बताओ बच्चों यही है ना एक्सिस। तो या तो लाइट बच्चों देखो इधर जा सकती है, बताओ जल्दी से, तो एंगल तो इसका रोटेशन कैसा होगा, यू होगा इसका रोटेशन, बताओ भाई। अरे पहले तो यू, पहले बच्चों कैसी थी, पहले तो कैसी, तो ये इस तरीके से घूम गए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों कौन सा रोटेशन हुआ, दिस इज क्लॉक वाइज, दिस इज क्लॉक वाइज रोटेशन। या तो बच्चों इसका रोटेशन ऐसा होगा भाई, रेफरेंस तो यही था, ठीक है, मेन जो लाइट थी आपकी पीपीएल लाइट ये देखो, तो अगर बच्चों या तो फिर वो ऐसी घूम सकती है, अगर यहाँ से इस तरीके से घूमी तो बच्चों उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अरे गली उल्टी घूम रही है ना, तो बच्चों यहाँ पे इस क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मैंने बोला था, इसको बोला स्मॉल डी, या फिर हम पॉजिटिव से करते हैं रिप्रेजेंट, दिस इज ओनली द सिंबल जिससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टडी करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी को बेटा हम करते हैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट एंड आपका नेगेटिव सिंबल। समझ में आ रहा है सभी को, अरे बताओ बच्चों क्या सभी को समझ में आ रहा है। तो अगर ये लाइट बच्चों क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो यहाँ पे जो भरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कैसा होगा, वो होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। अरे भाई ऑप्टिकल एक्टिव होगा ना, बताओ जल्दी से, ऑप्टिकल एक्टिव होगा ना, सभी को समझ में आ रहा है। तो इसमें से पहला वाला केस ये हो गया कि सर क्लॉकवाइज थी, दूसरा वाला केस ये हो गया सर, तीसरा भी केस तो हो सकता है कि लाइट जैसे आई थी वैसे ही चली गई। अरे लाइट जिस तरीके से आ रही थी वैसे ही चली गई, मतलब इसमें कंपाउंड मैंने भरा था, लाइट यहाँ पे इस तरीके से थी एक्सिस में, और जैसे आई उसी तरीके से वो यहाँ से निकल गई, कुछ इसमें चेंज ही नहीं हुआ सर। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो कंपाउंड भरा था वो कंपाउंड बच्चों क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या सभी को समझ में आ रहा है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, उसने लाइट को रोटेट कराया ही नहीं। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। पूरा ऑब्जर्वेशन एक बार में मैंने बता, पूरा ऑब्जर्वेशन एक बार में ही हो गया, जल्दी से बताओ बच्चों। यस थैंक यू। अब बात करते हैं, यस नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एडिंग लेते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट पॉइंट इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट किस किस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, एक बार मैं फिर से आपको देता हूं, याद करने के लिए पहला पॉइंट बच्चों ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट जो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटाबेस नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिल किया है एक तो उस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किस पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट। तो बच्चों पहला पॉइंट इज नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट बच्चों डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होगा उस पर डिपेंड करेगी। तीसरा पॉइंट जो होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा उस पर भी डिपेंड करती है। एंड फोर्थ फैक्टर जो होगा वो बेटा होगा लेंथ पे, लेंथ ऑफ, लेंथ या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं लेंथ में लिख दिया क्रॉस सेक्शन लिख लेते हैं, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोल्ट्री मीटर ट्यूब, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर की बात करते हैं, पांचवा फैक्टर बच्चों आता है बेब लेंथ, ठीक है, बेब लेंथ ऑफ क्या बच्चों, लाइट, जो लाइट की बेब लेंथ है उस पर भी डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट सिक्स फैक्टर आपका आता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर, एक्सपेरिमेंट का जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इतनी बातें सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, बताओ भाई जल्दी से, इतनी बातें सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, जितना लिखा दिया मैंने इस पे क्वेश्चंस आता है और आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि सर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चों किसमें, सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में, वो जो सॉल्यूट वाला। सेकेंड बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोल्ट्री मीटर ट्यूब, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, इन सब पे क्या करता है, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन।
क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, यहां तक सभी क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ओके, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, टाइम कितना हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये, यहां पे ध्यान से देखो, देखो ए मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी काइरल। तो काइरल को हम लोग थोड़ा बाद में लेके आएंगे, उसके पहले थोड़ा और हम लोग सही चीज को और समझ लेते हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ, सभी लोग बताएंगे आंसर कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा। ऑप्टिकली एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब बच्चों क्या है, आप मुझे बताओ जल्दी से। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? इसका सिंपल सा मतलब है टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाना, ठीक है, वही होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिंपल सा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना। मैं आपसे पूछूं यहां पे, जरा बताना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बताओ जल्दी से आंसर। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ओनली वन आंसर बताना है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? पीपीएल लाइट, यस बिगनेस, सही आंसर है। और बताओ बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का एक्चुअली मीन क्या है? वन लाइन आंसर जल्दी से बताओ, क्योंकि लेक्चर फिनिश होने वाला है, जल्दी से बताओ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, दोज कंपाउंड व्हिच रोटेट, दोज कंपाउंड व्हिच रोटेट पीपीएल लाइट को जो कंपाउंड रोटेट करते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मीन समझ में आ रहा है? अभी जल्दी से बताओ। और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब समझ में आया, ऐसे कंपाउंड जो रोटेट कराते हैं पीपीएल लाइट को। बताओ सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? दो टर्म और लेता हूं मैं, दो टर्म और है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, बस अक्षर फिनिश ही करने वाला हूं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ये क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं बताओ जरा। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है? दोज कंपाउंड व्हिच डू नॉट रोटेट पीपीएल लाइट, जो पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलेंगे, या उनको बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। अभी मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है काइरल, जो सामने रिप्रेजेंट भी किया गया है। नेक्स्ट आएगा काइरल, काइरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो काइरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो काइरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली आर अनसिमेट्रिकल, काइरल मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं काइरल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल। और काइरल मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी और है कि काइरल मॉलिक्यूल्स बच्चों होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है। तो आपके जो काइरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? मैं सीधा वर्ड यूज करूं, काइरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिविटीज शो करते हैं, तो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब अगर मैं इन्हीं कंपाउंड्स की अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं, तो मिरर इमेज बड़ा सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? सुपर इम्पोज का मतलब पूरा ढक लेना, और नॉन सुपर इम्पोज का मतलब क्या? पूरे ढकना नहीं है। जैसे यहाँ पे समझो, ए मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल और इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी काइरल, जो नीचे मैंने बताया भी है। आप देखो, आपका लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे आपका राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का जरा लेफ्ट हैंड ये हो गया, ठीक है, राइट हैंड ये हो गया, ठीक है। आप जब इन दोनों को ओवरलैप करते हो, आप इन दोनों को लेके आओ, देखो ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, समझ में आ रहा है सभी को? तो आप यूं जब लेके आते हो, जब इनकी इमेज, जब इसकी इमेज बनती है, लेफ्ट हैंड है ना, इसकी इमेज क्या होगी? ये वाला समझ जाएगा इधर, अरे भाई राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है ना, तो जब ये इसके सामने आएगा तो क्या ओवरलैप करेगा बच्चों? नहीं करेगा। तो नीचे देखो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये ओवरलैप कर ही रहा है, जब ओवरलैप नहीं करता है ना तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, पूरा ढकता नहीं है। इसका मतलब ये है, जैसे कार देख लो, तो कार क्या है? कार का ये वाला लाइट लेफ्ट वाला सेक्शन राइट में, राइट वाला सेक्शन लेफ्ट में, तो इसकी मिरर इमेज है, तो क्या मिरर इमेज इसकी ओवरलैप करती है पूरी? नहीं करती है।
जब नहीं करती है तो ये भी आपकी कायरल ही होगी। जैसे नीचे देखो यहाँ पे, ये देखो आपको दो पिन दे रखे हैं, पिन अगर लेफ्ट टू राइट, देखो राइट टू लेफ्ट, तो क्या ये आपको ओवरलैप करेंगे? बताओ बच्चों, भाई ओवरलैप करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी इमेज जो होगी वो इसकी इमेज बराबर सेट होगी। जैसे मैं बोलूँ ए के सामने ए लेके आओ, ए की इमेज ए, तो ध्यान देना क्या होगा, ये ए जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ए है, तो इस इमेज को, इमेज के ऊपर ए को लेके आओ, जरा का ढकेगा, बिल्कुल ढकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये कभी भी कंपाउंड आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो तो ठीक है, आज हम लेक्चर को ही फिनिश करते हैं, बाकी जब मिलेंगे तब तक कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू।